नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपके कॉम्प्रिहेंशन के लिए वापस से आए हैं, जो पार्ट थ्री आपका है। इससे पहले दो सेट के कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली आपने सॉल्व किए होंगे और उनसे आपको आइडिया लग गया होगा कि एसबीआई में किस टाइप का कॉम्प्रिहेंशन जो है वो पूछा जाता है। देखिए, अभी तक जो हमने जितने कॉम्प्रिहेंशन पहले किए हैं उन सबसे आपको पता चला होगा कि बहुत लेंदी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो अभी रिसेंटली 2 ईयर से नहीं आ रहा है, बहुत छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं। जो हमने लास्ट वाला सेट का जो किया था कॉम्प्रिहेंशन, उसमें कट टू कट आंसर जो है वो आपको लिटरली कॉम्प्रिहेंशन में मिल रहा था। लेकिन ये जो आज का सेट जब आपने सॉल्व किया होगा तो आपको लगा होगा कि यार ये क्या कॉम्प्रिहेंशन है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आपने किए होंगे उसकी लाइन एग्जैक्टली आपको कॉम्प्रिहेंशन में बिल्कुल भी नहीं मिल रही होगी। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ कॉम्प्रिहेंशन साइकोलॉजी बेस्ड आते हैं। साइकोलॉजी बेस्ड मतलब कि ऑथर आपको क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, वो लाइंस आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। कुछ आपको लिटरली कॉमन सेंस का भी यूज करना पड़ेगा कि यार ये कैसे हो सकता है ना, उस हिसाब से भी आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये बात भी सच है कि जब कोई साइकोलॉजी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन आता है ना एग्जाम में, तो वो लिटरली ट्रू एंड फॉल्स वाला जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर पूछता है कि यहाँ पर ऑथर का माइंडसेट क्या था, इन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट ट्रू है रिगार्डिंग ऑथर्स लाइक रेस्पेक्ट, या कौन सा पॉइंट फॉल्स है रिगार्डिंग ऑथर्स रेस्पेक्ट, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम मिल सकते हैं। और आपको एंटोनिम सिनोनिम का तो मिलेगा ही, वो क्वेश्चन तो फ्री है, मतलब वो आपको मार्क्स डेफिनेटली ग्रैब जो है वो देकर जाएगा। चलिए, तो ये जो आज का कॉम्प्रिहेंशन आपने देखा होगा, ये आपको दिखा होगा कि ऑथर का माइंडसेट जो था आपकी बॉडी को लेकर, फिजिकल बॉडी को लेकर, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ऑथर ने आपको बताया है, जिसने ये कॉम्प्रिहेंशन के बारे में सोचा होगा उसने आपको बताया है कि कैसे जो आपका फिजिकल बॉडी पार्ट है वो आपका साथ भी देता है, लेकिन जब इंजरीज हो जाती है तो यही बॉडी पार्ट जो है वो आपको थोड़ा सा एक तरीके से एफर्ट में भी कमी लाता है। आपकी मेंटल हेल्थ आपको स्ट्रांग रखनी पड़ती है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बैलेंसिंग बहुत फर्क है। जो आपकी फिजिकल हेल्थ है और जो आपकी मेंटल हेल्थ में से कोई भी एक चीज अगर बिगड़ती है तो फिर आपकी जो लाइफ है वो कंप्लीट स्पैन में नहीं जा पाती, आप एक आसानी से अपनी जिंदगी को अप्रोच नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि अगर आपको आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना है तो कुल मिलाकर आपको आपकी कंप्लीट लाइफ जो है वो डिस्कवर करनी पड़ेगी। कंप्लीट लाइफ में आपको आपकी मेंटल हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना फिजिकल पर, एंड वाइस वर्सा। चलिए, तो ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद आपको फील हो गया होगा कि व्हाट ऑथर इज एक्चुअली सेइंग अबाउट। कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा बड़ा है नहीं, कुछ पैराग्राफ के शॉर्ट नोट्स जो है वो आपने फ्रेम कर लिए होंगे कि फर्स्ट पैरा किसकी बात करा है, सेकेंड किसकी बात करा है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन की। तो जो क्वेश्चन नंबर वन इससे रिगार्डिंग है वो मुझसे कह रहा है, देखो मैंने आपसे कहा था ना कि आपसे ऑथर का पर्सपेक्टिव ही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट द ऑथर एज पर द गिवन पैसेज। नाउ फ्रेंड्स, है ना, यहाँ पर एक बात का जरूर ध्यान रखना, जब अगर आपके क्वेश्चन में ये बोले ना कैन बी सेड, यानी कि एक मॉडल का यूज कर रहा है, तो ये आप मान लेना कि एग्जैक्टली लाइन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है कि ऑथर का क्या गंतव्य था, क्या उसकी मानसिकता रह सकती है नहीं रह सकती है। तो यानी कि आपको पहले पूरा पैसेज पढ़ना है। एक और बात, जो साइकोलॉजी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उनमें कभी भी क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा जाता है, पहले कॉम्प्रिहेंशन को एक रीडिंग दी जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में, नहीं, एक कैजुअल रीडिंग आपको देनी है और उसके बाद आपको ये पॉइंट्स पढ़ने, शायद आपको दोबारा कॉम्प्रिहेंशन पर जाने की जरूरत भी ना पड़े। तो आपको ये समझ में आया कैन बी सेड का मतलब क्या है? कैन बी सेड का मतलब आई वोंट गेट द एग्जैक्ट लाइंस इन द कॉम्प्रिहेंशन, बट व्हाट इज द ऑथर्स पर्सपेक्टिव कैन बी फाइंड आउट ड्यूरिंग दिस लाइंस। ठीक है, तो पहली लाइन में आपसे पढ़ूंगी, द ऑथर इज ऑप्टिमिस्टिक, डेफिनेटली ऑथर ऑप्टिमिस्टिक था। हर नेगेटिव सिचुएशन के बाद में वो आपको पॉजिटिव कर रहा था, वो आपको बोल रहा था ऐसा नहीं आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं आपको ऐसा होना चाहिए। तो डेफिनेटली ऑथर ऑप्टिमिस्टिक तो था ही, एंड लुक्स एट लाइफ सिचुएशंस पॉजिटिवली। यही बात हो गई कि आपकी लाइफ की सिचुएशन यदि नेगेटिव है तो वो आपको पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा था कि अगर ऐसा है तो आप ऐसा कर लीजिए, अगर ऐसा है तो ऐसा कर लीजिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा बिल्कुल सही है। देखो, मैं इसमें कॉम्प्रिहेंशन पे क्यों नहीं जा रही हूं, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, कैन बी सेड है, कैन बी सेड यानी एग्जैक्ट लाइन मुझे वैसे भी नहीं मिलने वाली है। तो जो कॉम्प्रिहेंशन मैंने पढ़ रखा है वो मेरे दिमाग में, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई एम डीलिंग विद दिस सेंटेंसेस, ओके, दीज क्वेश्चंस। ओके, सेकंड पे आते हैं। The author's opinions have been formed
बाय एक्सपीरियंस। बिल्कुल, ये जो भी ओपिनियन ऑथर यहाँ पर दे रहा है, जो कुछ भी वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, वो विदाउट एक्सपीरियंस तो नहीं आ सकता है। उसने खुद ये चीजें महसूस की है। देखो, एक नोवाइस या एक टायरो इंसान, एक फ्रेशर इंसान आपको लाइफ के बारे में नहीं बता सकता है। लाइफ के बारे में सबसे बेहतरीन हमें हमारे बड़े बुजुर्ग ही बताते हैं, और वो बड़े बुजुर्ग भी कब बता पाते हैं, जब उन्हें लाइफ का एक्सपीरियंस आता है। तो इस हिसाब से ये पॉइंट भी एग्जैक्टली सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। अब आपको जब ए और बी सही मिल गया ना, तो आपको सी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शन देखो, किसी भी ऑप्शन में ओनली ए एंड बी नहीं लिखा है। तो अगर ए और बी सही है, तो सी को भी सही होना पड़ेगा। तो आप अपना समय जो है वो ऐसे बचा सकते हो ऑप्शंस को देखकर कि भैया मुझे सी ऑप्शन जो है पढ़ने की जरूरत नहीं भी पड़ी। ओके, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। द ऑथर बिलीव्स दैट हीलिंग द माइंड इज एज इंपॉर्टेंट एज हीलिंग द बॉडी। ये इसने आपसे लास्ट पैराग्राफ में बात की थी कि माइंड को हील करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपको आपकी बॉडी को हील करना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था सिनोनिम यानी सिमिलर वर्ड ब्रोकन का। ब्रोकन का मतलब आप जानते हैं टूटा हुआ होता है। तो इसका सिमिलर वर्ड अगर मैं ढूंढूं तो एग्रेसिव नहीं होता है। एग्रेसिव का मतलब तो गुस्सा होता है, गुस्से का और टूटने का कोई लेना देना नहीं है। एरोगेंट मतलब भी गुस्सा ही होता है। मिसगाइड करना मतलब कि मैं आपको गाइडेंस गलत तरीके से दे रही हूं, आपकी राह भटका रही हूं, इसका मतलब ही ब्रोकन नहीं होता है। इग्नोर का मतलब आपको इग्नोर मारना है ना। तो यानी किसी भी वर्ड का जो मैच है वो ब्रोकन से नहीं हो रहा है। तो माय राइट आंसर इज नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मैंने कहा था ना साइकोलॉजी के जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उसमें ट्रू एंड फॉल्स ही मैक्सिमम पूछता है। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग क्या चीज है जो ट्रू है। पहली बात, द कंसेप्ट ऑफ अ कंप्लीट लाइफ इज अ मिथ। देखो फ्रेंड्स, जब मैंने ना ये पैसेज पढ़ा था ना, तो यहाँ इन्होंने बोला था ये जो अगर आप लाइन पढ़ो, आर लॉन्ग टर्म गोल शुडंट बी जस्ट टू बी एबल टू परफॉर्म टास्क एंड कोर्स बट टू फंक्शन एज कंप्लीट ह्यूमन बींग। तो यहाँ ऑथर ने कहा है कि आपको एक कंप्लीट ह्यूमन बींग की तरह रहना पड़ेगा, जिसमें मेंटल प्लस फिजिकल दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फिर कंप्लीट लाइफ का जो एक कंसेप्ट है, ये मिथ कैसे हो सकता है, झूठा कैसे हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये ऑप्शन गलत हो गया है ना। फिर नेक्स्ट पर आते हैं। सेकंड ऑप्शन तो बाद में टिक करेंगे जब सबको गलत प्रूव करेंगे। हैड आवर बॉडी बीन कंप्लीटली रिपेरेबल एज मशीन। हमारी बॉडी भैया मशीन के जैसे तो बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हो सकती है। मैंने क्या कहा था, कुछ कॉमन सेंस भी है। मशीन जो है ना वो एग्जैक्टली जीरो पर एक न्यू पर वापस आ सकती है, लेकिन अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट टूट गया या अगर आपका बॉडी का कोई पार्ट इंजर्ड हो गया, तो आप लगभग बाय ऑपरेशन या कुछ करके उसे चला सकते हो, बट उसे वापस जीरो पर तो नहीं कर सकते। ये ऑप्शन गया। फ्रेंड्स एक हिंट और होता है, ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें ओनली वर्ड लिखा होता है। क्या लिखा होता है, ओनली वर्ड। ये रीजनिंग में भी होता है, ये मैथमेटिक्स में भी होता है, और ये इंग्लिश में भी अप्लाई होता है। सिर्फ ओनली वाला जो ऑप्शन होता है ना, वो कभी भी सही नहीं होता। इतनी बात समझ में आई। लास्ट ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। ट्रीटमेंट फॉर अ सीरियस इलनेस कैन बी अवॉइडेड इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग। ये कह रहा है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो ना, तो आपको कितनी बड़ी बीमारी हुई हो उसका ट्रीटमेंट जो है वो आप अवॉइड कर सकते हो। भाई कैसे, कुछ बीमारियां ऐसी है जिसका ट्रीटमेंट आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना ही मेंटली स्ट्रांग क्यों ना हो, ट्रीटमेंट चाहिए मतलब चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सारी बीमारियां जो है ना वो मेंटली स्ट्रांग करके ट्रीट कर सकते हो। फिर डॉक्टर्स क्यों है, फिर तो डॉक्टर पोस्ट ही नहीं होनी चाहिए ना। तो कुल मिलाकर ये भी गलत। तो ये कह रहे हैं नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज ट्रू एज पर द गिवन पैसेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर मस्ट बी डन। क्या किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ऑथर इन ऑर्डर टू लिव अ फुलफिल्ड लाइफ आफ्टर अ मेजर, ये बोल रहे सेटबैक के बाद में आप क्या कर सकते हो। गिव अप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिगार्डिंग ऑल द लॉस्ट स्किल्स। हाँ, ये आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि यह इसने आपको एक ऑप्शन में दिया भी था। मैं आपको बता देती हूँ इसने ये आपको कहाँ लिख कर दिया था। एक्सपेक्टेशंस की बात इसने मुझसे की थी, ये देखिए। टू डू दिस वी मस्ट गिव सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस दैट आर बेस्ड ऑन हाउ वी यूज्ड टू बी एंड बिगिन। ठीक है, तो यहाँ एक्सपेक्टेशंस की बात डेफिनेटली ऑथर ने मुझसे की है, तो ये तो सही है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। फोकस ओनली, मैंने कहा था ना ये ओनली वाला ऑप्शन तो हमेशा गलत होता है। चलो बी तो गया। बी कंफर्टेबल विदाउट वीकनेस एंड चेंजेस इन अस। हाँ, ये भी सही है कि अपनी वीकनेसेस से कंफर्टेबल रहे और जो भी चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं उसको भी जरा आप देखते रहे। देखो ये लाइन भी मैं आपको दिखा देती हूँ आपके पैसेज में, ये
बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. स्किन का मतलब आपकी स्किल्स में आप लोग कंफर्टेबल रहें, ठीक है. तो ए ऑप्शन मुझे मिल गया एग्जैक्टली, सी ऑप्शन मुझे मिल गया, लेकिन बी में क्योंकि ओनली है वो मुझे रिजेक्ट करना पड़ा. तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5. आगे बढ़ते हैं, इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. मतलब ये जो पैसेज है ये एक कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसके इर्द गिर्द घूम रहा था. चलिए पढ़ते हैं. वन, वंस वी अंडरगो मेजर इलनेस और इंजरी वी शुड स्टॉप फोकसिंग. नहीं, हम फोकस करना स्टॉप थोड़ी ना कर सकते हैं, ये पॉइंट गलत. आवर लाइफ बिकम्स मीनिंगलेस वंस देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन आवर हेल्थ. नहीं, हमारी लाइफ कभी भी मीनिंगलेस नहीं हो सकती. हम जब तक मर नहीं जाते ना, तब तक हमारी लाइफ का कुछ ना कुछ मीनिंग तो होता ही होता है. इट इज इंपॉर्टेंट टू लैड अ गुड लाइफ व्हाइल वी आर यंग एज विद एज. नहीं नहीं भैया, बड़े बुजुर्ग क्या जीना ही छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं, हमारी गुड लाइफ हम जब बचपन में होते तब भी होती है, हम टीनेज हैं तब भी होती है, और हम ओल्ड एज है. ये हम पर डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ कैसे जी रहे हैं ना. फोर्थ पॉइंट बाद है, वी मट एक्सेप्ट द सिचुएशन एज दे कम. हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जैसे कोई सिचुएशन मेरी जिंदगी में आती है मैं उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करूं, एंड द रेस्ट्रिक्शन साथ ही साथ और किसे एक्सेप्ट करूं जो रेस्ट्रिक्शन उसके साथ साथ मुझे मिली है. अगर ये मैं एक्सेप्ट कर रही हूं तो मैं उसे अवॉइड भी कर पाऊंगी, मैं उसका एक तरीके से क्या पॉइंट है, पर्सपेक्टिव है, वो समझ भी पाऊंगी. इसे ऑप्टिमिज्म कहते हैं, ठीक है. एक्सेप्टिंग लिमिटेशन इज अ बिग इम्पीडेंट इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग डिजायरेबल चेंज. नहीं, तो कुल मिलाकर ये ऑप्शन मुझे बेहतर लग रहा है, जिसके प्रति जो है मेरा कॉम्प्रिहेंशन घूम रहा था, और जिसलिए आपने ऑथर को ऑप्टिमिस्टिक भी कहा था, ठीक है. चलिए, तो ये कॉम्प्रिहेंशन क्वाइट ईजी था, थोड़ा अलग हटकर था, साइकोलॉजी पर बेस्ड था, आंसर एग्जैक्टली नहीं मिल रहे थे, बट कोई बात नहीं. ऐसे पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैजुअल रीडिंग देनी है, क्वेश्चन देखना है. क्वेश्चंस के बाद वापस पैसेज भले ही आपको देखने की नीड पड़ेगी नहीं, आपको थोड़ा सा जो है अपना दिमाग यूज करके और ऑप्शंस चेक करना है, ठीक है. ओनली वाले हमारे आंसर नहीं होते. चलिए, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के कॉम्प्रिहेंशन के साथ फिर आपसे मिलते हैं. तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत.